नमस्कार। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में भारत की हार के बाद टीम को लेकर कई बातें कही जा रही हैं और पूर्व खिलाड़ी, मीडिया, प्रशंसक सभी टेंशन में हैं और विराट ब्रिगेड की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इसी कड़ी में अब इस गुस्से का शिकार मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे हुए हैं, जिनको लेकर अब आलोचना हो रही है। रहाणे को लेकर पूर्व भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज दीप दास गुप्ता ने बड़ा बयान दिया है। गुप्ता ने रहाणे को लेकर कहा है कि अब रहाणे की बल्लेबाजी में पुरानी वाली बात नहीं रही। गुप्ता ने आगे कहा कि भारतीय टेस्ट टीम के उपकप्तान अजिंक्य रहाणे अब वैसे खिलाड़ी नहीं रह गए हैं जैसे कि वो 5-6 साल पहले थे और वानखेड़े स्टेडियम में ताबड़तोड़ शतक बनाते थे। रहाणे ने न्यूजीलैंड के खिलाफ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में ज्यादा प्रभाव नहीं छोड़ा। उस मैच में उनके 49 और 15 रन भारत को 8 विकेट की हार से बचाने के लिए पर्याप्त नहीं थे। अगस्त सितंबर में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के साथ इस बात पर बहस चल रही है कि क्या मध्य क्रम में रहाणे की जगह हनुमा विहारी को मौका दिया जाएगा। दीप दास ने अपने YouTube चैनल पर कहा, मुझे नहीं लगता कि रहाणे वही खिलाड़ी हैं जो वो 2015-16 में थे। उस समय के रहाणे अविश्वसनीय थे। वो एक ऐसे खिलाड़ी थे जिन्हें मैंने मुंबई के लिए खेलते हुए देखा। पहली सुबह वानखेड़े की पिच नम थी, पिच में घास थी और उन दिनों वहां बल्लेबाजी करना एक बुरा सपना था। लेकिन रहाणे ने भारत के लिए खेलने से पहले वहां 4,000 से 4,500 से ज्यादा रन बनाए। मुख्य रूप से नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए ये शानदार कारनामा था। तो आप समझ सकते हैं, रहाणे को लेकर अब पूर्व क्रिकेटर्स की भौहें तनी हुई हैं और सभी हार का ठीकरा मिडिल ऑर्डर पर फोड़ रहे हैं। अगर इसी तरह से चलता रहा तो आगे का रास्ता कठिन हो सकता है और रहाणे की जगह हनुमा विहारी को मौका मिल सकता है, जिससे रहाणे का जाना तय हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं क्यों पूर्व क्रिकेटर नाराज है और उसका कारण क्या है। अब देखना होगा इंग्लैंड से आने वाली सीरीज में उनका प्रदर्शन कैसा रहता है। अगर प्रदर्शन खराब रहा तो परेशानी बढ़ सकती है। इसलिए रहाणे को अपने आलोचकों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अपने बल्ले का मुंह खोलना होगा और इंग्लैंड सीरीज में कुछ अच्छा करना होगा।